अस्सलाम वालेकुम गाइस, पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट FBR की तरफ से नई भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और प्राइमरी वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवार जो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करना है, कितनी टोटल पोस्टें हैं, मुकम्मल तफसील आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आपने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना और यहाँ पे आपने सर्च करना है pkjobsjunction.com। लिंक जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू FBR जॉब्स 2024, इस पर जो आपने रीड मोर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे ज्वाइन नो का बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें, अगर हम एजुकेशन की बात करें, प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार जो अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 जुलाई है, 15 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये पोस्टों के नेम आप चेकआउट कर सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर वर्कशॉप कैटेगरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डिस्पैच राइडर, ड्राइवर, लेडी सर्चर, LDC, लाइब्रेरी असिस्टेंट, माली, नाइबका से सेंट्री वर्कर, सिपाही, स्टेनो टाइपिस्ट, UDC। तो यहाँ पे जो है सेंट्री वर्कर हो गया, उसके बाद जो है ड्राइवर हो गया और नायब कासद, इसके लिए एजुकेशन जो है यहाँ पे प्राइमरी रखी गई है। तो एक आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, आप जब एडवर्टाइज़र पेपर देखेंगे आपको कोई समझ नहीं आएगी, तो इसलिए जो है आपको मुकम्मल तफसील आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने ये रीड आउट करना है, आपको A to Z जो है समझ आ जाएगी। ये पोस्टें हैं सारी, ये आपने जो है रीड आउट कर लेनी। आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ये जो है सेंटर हैं, ये आपने अपने करीबी तरीन सेंटर जो होता है यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, जिस तरह इस्लामाबाद में है, उसके बाद मुल्तान, सरगोधा, जो आपके इलाके में ये नज़दीक लगते हो आपने उसमें अप्लाई कर लेना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है असिस्टेंट के लिए, अब ये वाली चीज़ें जो है आपको इधर नहीं बिल्कुल समझ आएंगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोई समझ नहीं आएगा, इसलिए जो है यहाँ पे मैंने तफसील के साथ लिखा हुआ है, ये आपने रीड आउट करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो असिस्टेंट में, तो असिस्टेंट के लिए आपकी तालीम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद जो है IT ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हो, उसके बाद 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट के लिए आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आपकी 80x40 स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद जो है कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी एजुकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद की डिप्रेशन पर होर एक 10,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो UDC के लिए आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, आपके पास जो है IT ट्रेनिंग कोर्स की स्किल होनी चाहिए। यहाँ पे ये मुकम्मल तफसील जो आपने रीड आउट कर लेनी है। अब ये वाले जो है ये आपने यहाँ से लेकर आपने एंड तक जो है रीड आउट लाजमी करना है, क्योंकि आपको एडवर्टाइज़र पेपर पे कोई समझ नहीं आएगी, तो यहाँ पे इसलिए जो आपने यहाँ पे रीड आउट करना है। अब जो है प्राइमरी वाले हैं वो जो है अप्लाई कर सकते हैं सेंट्री वर्कर के लिए 18 से 30 साल उम्र, उसके बाद जो है ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नायब कासद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल उम्र रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है ये आपने लाजमी रीड आउट करना है। ड्राइवर के लिए 18 से 35 साल उम्र है और बाकियों के लिए 18 से 30 साल है, और यहाँ पे जो है ये आपने रीड आउट कर लेना है। इसमें जो है सिपाही की भर्तियाँ हैं, बाकी सारी सिविलियन हैं। ये जो सिपाही की हैं ये यूनिफॉर्म वाली भर्तियाँ हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन मैट्रिक रखी गई है, 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए लड़कों के लिए और 32 साढ़े 33 की छाती होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच का होना चाहिए, 18 से 30 साल उम्र रखी गई है। तो ये आपने सारा रीड आउट कर लेना है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे चले जाना है। ये आपको जो है यहाँ पे ये आज ही अनाउंस हुई है, तो यहाँ पे अभी ये शो नहीं हो रही, ये कल या परसों तक यहाँ पे शो हो जाएंगे, फिर जो है आप अप्लाई इस पे कर सकोगे। आज आप इस पे नहीं अप्लाई कर सकोगे क्योंकि अभी ये जस्ट जो है वैकेंसी आई है, तो हमने जो है पोस्ट कर दी आप लोगों के लिए ताकि आप रेडी हो जाओ कि इस तरह इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको जो है
इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन का बटन यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। और उसके बाद जो है एक से ज़्यादा भी वैकेंसी, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है माली और सेंट्री वर्कर नायब का से तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो तीनों के लिए आपने अलग अलग जो है अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे ये जो बार चल रही है इधर आपको शो हो जाएगा, कल या परसों तक यहाँ पे जो इधर आ जाएगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की, तो फिर आप जो है इस पर अप्लाई कर सकोगे। तो अगर आप कमिट करो तो नेक्स्ट वीडियो जो अप्लाई किस तरह करना है उस पर भी बना देंगे। तो आपने इस वेबसाइट पे लाजमी विज़िट करना है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।